हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, ऐसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए नए कंपनी के बारे में बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज हम आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी के बारे में बताएंगे जो कि दिल्ली NCR का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR का ये लोकेशन होने वाला है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ब्रांच में बैठ के आपको काम करना है। सैलरी 18 से 22 हज़ार इन हैंड मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इन हैंड 18 से 22 हज़ार रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। कोई टारगेट नहीं, कोई सैलरी रिडक्शन नहीं। फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली से मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको लेकर आना है और जॉब कैसे मिलने वाला है। ठीक है, अर्जेंट हायरिंग फॉर क्रेडिट कार्ड सेल्स। अब कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड का नाम सुन के ही वीडियो को स्किप कर देंगे। अगर आपने स्किप किया तो यकीन मानिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी और अपने आगे बढ़ने का जो करियर, आगे बढ़ने का जो ग्रोथ है उसको भी आपने स्किप कर दिया। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो फील्ड है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही गज़ब का है। रियली बता दो, इसमें सैलरी बहुत है लेकिन हम कर नहीं पाते। कोई आपको मार्केट में नहीं जाना है, ब्रांच में बैठ के ही आपको सेल करनी है। ठीक है, प्रोफाइल होने वाला है ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की होने वाली है। ब्रांच में बैठ के ही आपको जॉब करना रहेगा। ब्रांच में बैठो और अपना जॉब करो और अपना जो है कि वर्क करो, है ना। अगर हम बात करें इसमें जो सैलरी होने वाली है वो 18 से 22 हज़ार रुपये इन हैंड होने वाले। PF एंड ESI प्लस इंसेंटिव। PF ESI आपका अलग है, प्लस इंसेंटिव भी है। इंसेंटिव कब हमें मिलता है? जब हम अपने काम को बखूबी, रेस्पेक्ट के साथ, बखूबी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो जो उसका लीड्स निकलता है, वो लीड्स अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसका हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। उसी पैसे को इंसेंटिव कहा जाता है। वो इंसेंटिव अगर हमें 10,000 या 5,000 पर महीने की मिल जाए तो भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसमें स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। ठीक है, देखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी। गुड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मांग रहा, बट स्किल जो है वो आपकी अच्छी हो, बात करने का तरीका आपका अच्छा हो, चाहे वो आप हिंदी में बात करो चाहे आप इंग्लिश में बात करो। ये देखो, पूरा मेंशन है इसमें। तो इसमें स्किल्स मैटर करता है क्योंकि बंदा वही बिकता है जो बोलता है, जो बोलेगा वही चलेगा, समझ रहे हो। तो अगर आप चलना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जॉब पाना चाहते हो, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो बाकायदा जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा फॉलो करो और कॉल करो। लोकेशन क्या होने वाला है वही मैं बता दूं। उससे पहले बता दूं, वर्क प्रोफाइल वॉकिंग कस्टमर को ब्रांच में क्रेडिट कार्ड सेल करना है। जो घूमते टहलते हमारे ऑफिस में आते हैं या हमारे ब्रांच में आते हैं, बैंक के ब्रांच में, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बैंक के ब्रांच में आते हैं तो उनसे हमें बात करना रहता है, उन्हें कन्विंस करना रहता है। मतलब पूरे तरीके से हम टोटली अगर बात करें तो ये ऑफिशियल जॉब होने वाला है, ऑफिशियल जॉब होने वाला है। और साथ ही साथ बैठने का सिटिंग जॉब होने वाला है। लोकेशन क्या होने वाला है? आल गाज़ियाबाद, आल हापुड़, आल मीरठ, आल नोएडा, आल ग्रेटर नोएडा, आल बुलंदशहर, आल साउथ दिल्ली, आल नॉर्थ दिल्ली, आल ईस्ट दिल्ली, आल वेस्ट दिल्ली, आल सेंट्रल दिल्ली, आल फरीदाबाद, आल गुरुग्राम, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार संपर्क ज़रूर करें। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे रखा है, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ से 1 साल क्रेडिट कार्ड के सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहते हैं तो बाकायदा आप इसमें काम कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्लीज़ शेयर योर रिज्यूम ऑन व्हाट्सएप। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं देखो हमेशा से कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास देखिए पढ़ाई है, आपने 12वीं कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। जब आप ठीक तरीके से किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले बंदे को इन्हेंस नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले बंदे को समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में आप क्या ही कर पाओगे। तो चीज़ों आप दोस्तों को समझो जो भी मैं बताता हूँ। आपके जो फ्रेंड है फैमिली में होंगे, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो उनसे थोड़ा फीडबैक लेना, जैसे आप यूट्यूबरों से लेते हो कि यार यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, तो उसी तरीके से यार जॉब कैसे किया जाता है या जॉब करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सैलरी कैसे बढ़ाएं सर जो हमसे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं। हम भी लोगों से बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो हमारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, हमारे बड़े यूट्यूबर जो हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं,
हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सर कैसे करें चैनल को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो उनका साफ सिद्धांत रहता है कंसिस्टेंसी, प्रॉपर वीडियो डालिए। तो ये चीज़ें है ना, तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं ना यार, जो फालतू की इधर घूम रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते जो लाइफ में ग्रो कर चुके हैं। हम उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन दरअसल हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर हमने उनकी बात सुनी तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सीधी सी बात। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप बकायदा वहाँ पर चेक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। फ्री जॉब है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा किसी को आपको देना नहीं है और ना ही आपको किसी से लेना भी है, सीधी सी बात। लेन देन से बिल्कुल आपको दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको तारिकत अली मिलेंगे, तारिकत अली HR, तारिकत अली मिलेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और साथ ही साथ वो आपको बुलाएंगे अपने ऑफिस, बुलाएंगे अपने ब्रांच में, बुलाएंगे कैसे जॉब मिलेगा, इंटरव्यू कैसे होगा, प्रोसेस क्या। और ये इवन हम बताएं आपको, ये आपकी हेल्प भी करेंगे, ये आपकी हेल्प भी करेंगे। इंटरव्यू होता गया, अभी पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी गुड़गांव के मोतीनगर, तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट आ रहे थे उनको पहले समझा दिया जाता था कि ये क्वेश्चंस अंदर पूछे जाएंगे, ऐसे इंटरव्यू होगा, है ना, ये सवालात रहेंगे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको जवाब देना। बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं, जब ट्रेंड हो जाते हैं सिंपल, फिर उसके बाद जॉब लग जाओ, कोई दिक्कत। लेकिन उसके लिए भाई हिम्मत तो करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात बताएं, हम इतना हिम्मत नहीं कर पाते किसी काम की। अभी 2-3 कमेंट मेरे पास आए थे, सरार भाई हम जाएंगे हमें जॉब तो मिलेगा। यार क्या बात कर रहे हो, एक कंपनी मेरे पास थोड़ी है यार, मेरे पास 50 कंपनी है। और ऐसा है नहीं कि भाई एक कंपनी में नहीं मिले तो भी दूसरी कंपनी में होगा ही नहीं, पर डे 20 से 25 लोगों को जॉब मिलता ही मिलता है, है ना। तो अभी मैंने ग्रुप में डाल, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन वो है, लिंक है, वो मैंने डाल रखा है, आप बकायदा चेक करिए और वहाँ पे जुड़ जाइए। क्योंकि पर डे जो है वहाँ पे वैकेंसी आती रहती है, अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप संपर्क करिए, घबराओ मत किसी भी चीज़ से। देखो कोई भी घबराना सॉल्यूशन नहीं होता यार। हम भी यहाँ पे एडमिट है, मान लीजिए माताजी अपने पिताजी को लेके, तो हम घबराएंगे तो काम कैसे चलेगा। देखो सबसे बड़ी ताकत इंसान की वो होती है कि नॉर्मल रिलैक्स होकर काम करे। बुद्धि आदमी की तब ख़राब हो जाती है जब वो परेशान होता है, जब वो घबराता है, जब वो टेंशन में होता है, तो उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए रिलैक्स होइए, आराम से हमारी वीडियो देखा करिए, आप कॉल किया करिए, अपना नाम बताया करिए, जेन्युइन जॉब आपको मिलने की फुल गारंटी हम लेते हैं। ये लोकेशन मैंने आपको बता दी किस किस लोकेशन पर मिलने वाला है, अपना डॉक्यूमेंट लीजिए, उसके बाद आप निकल आइए। अच्छा हाँ, रूम वगैरह की ये फैसिलिटीज़ नहीं कराते, रूम वगैरह आपको खुद को करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप जाते हो जॉब आपको दिलवा देंगे, करवा देंगे सब कुछ, उसके बाद रूम वगैरह भी आपको साइड में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको खुद देना होगा, पेमेंट आपको खुद देना होगा। कुछ लोग तो ऐसे जाके बोलते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों तक तो ठीक होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों तक ठीक होती है, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल जॉब के लिए, जब बात आती है क्रेडिट कार्ड के लिए, जब बात आती है ऑफिस जॉब के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि रूम वगैरह आपको खुद प्रोवाइड करना होता है। अब जॉब आपको मिली, अगले दिन आप आसपास के जो भी मोहल्ले, जो भी गांव होती है ना, तो वहाँ पे आप संपर्क करेंगे, सर हमें रूम चाहिए, तो बाकायदा आपको वहाँ पे रूम मिल जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती, शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, वो बोले सर हम आ गए, अब यार HR है वो आपको ना रूम इसमें दिला सकता है, ना आपको रहने खाने की सुविधा दिला सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में कैंटीन सुविधाएँ नहीं होती। तो खाना और रहना आपको खुद का करना होगा, तभी आप आना, उन पे डिपेंड मत रहना कि भाई तारिकत अली जी हमें रूम का भी फैसिलिटी। हाँ ये आपको बता सकते हैं कि भाई यहाँ जाओ, आपको यहाँ आपको रूम मिल जाएगा, सस्ता रूम यहाँ आपको, सस्ता रूम, इतना ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद, वीडियो पसंद है एक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई सरार को सपोर्ट करना, है ना, जिससे कि आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यार मैं आपके साथ जब खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा ना, मैं आपको फैमिली मानता हूँ तो आपको भी तो हमें अपना फैमिली मानना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो तब तक के लिए।